वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्लास थर्ड जो हैंड्स ऑन है कंप्यूटर उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास थर्ड का आप पहचान रहे होंगे इस प्रिंट को, आपकी बुक का ही प्रिंट है, और इसी के लेसन नंबर 1 की रीडिंग आज हम देखेंगे और समझेंगे उसके मतलब। जी, हमारा पहला जो चैप्टर है वो है गेटिंग स्टार्टेड। तो गेटिंग स्टार्टेड की लाइन बाय लाइन मैं रीडिंग करूँगा और उसे एक्सप्लेन करूँगा। आप सब अपनी बुक में लाइन बाय लाइन फिंगर को रन कराएंगे और मेरी आवाज़ को सुनकर आप भी कोशिश करेंगे उन वर्ड्स को बोलने का, उन सेंटेंसेस को रीड करने का और मतलब समझने का। चैप्टर 1, गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहला चीज़ हम सीखेंगे कंप्यूटर और उसके सारे पार्ट्स को पहचानना। फिर हम ये सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। फिर हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेज हैं। अब मैं लाइन बाई लाइन रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। टूडे इज डोबो बर्थडे एंड ही इज फीलिंग लोनली एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आउट ऑन द वैकेशन। डोबो का आज बर्थडे है लेकिन आज के दिन भी डोबो अकेला महसूस कर रहा है। लोनली का मतलब अकेलापन महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो ज़्यादातर फ्रेंड हैं वो वैकेशन पर बाहर चले गए हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं और छुट्टियों में वो बाहर चले गए हैं कहीं घूमने। डोबोज फादर गेव हिम ए बर्थडे गिफ्ट। जो डोबो के पापा हैं उन्होंने डोबो के लिए एक गिफ्ट लाया। डोबो इज वेरी हैप्पी टू सी सच ए ह्यूज बॉक्स रैप्ड इन ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर। डोबो इतना बड़ा बॉक्स देखकर बड़ा खुश हुआ। और ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, और रैप्ड मीन्स होता है, देखिए, ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर से इसको चारों ओर से पैक किया गया है। तो रैप्ड का मतलब होता है पैकिंग, पैक किया गया, ठीक। तो बहुत खुश हुआ। अब आगे क्या होता है भाई, अब देखिए, ही क्विकली ओपन द गिफ्ट टू फाइंड व्हाट इज इन साइड द बॉक्स। ये देखिए, उसने बॉक्स को तुरंत ओपन किया, गिफ्ट को, ये देखने के लिए कि आखिर उस गिफ्ट में है क्या भाई, उस बॉक्स के अंदर। तो अब यहाँ देखिए, ये इस तरह से आपके बुक में भी दिया होगा। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स को आपको पेंसिल से मिलाना है। ये एक्टिविटी आपके लिए, ये देख रहे हैं, ये एक फिगर बना हुआ है डॉट 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 करके, सारे डॉट्स को बना मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हुए इस फिगर को बनाना है। तो जब इस पूरा लाइन ड्रा कर लेंगे तो देखिए, कैन यू नेम द गिफ्ट, इफ यू गेस्ड इट करेक्टली राइट द नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आप समझ गए कि वो गिफ्ट कौन सा लाया उनके पापा ने इस फिगर को देखने के बाद। अगर आप जान गए तो इसमें उत्तर लिखिए, आंसर, डोबो फादर गिफ्टेड हिम डैश, क्या? कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर आगे मैं आंसर बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि डोबो के फादर ने क्या गिफ्ट किया। डैड, डोबो, डू यू नो व्हाट इज ए कंप्यूटर। डोबो के पापा पूछते हैं, डोबो तुम जानते हो कि क्या नाम है कंप्यूटर, क्या होता है? जी, यही आंसर है, डोबो के पापा ने डोबो को कंप्यूटर गिफ्ट किया। कई बच्चों ने कमेंट भी किया, वेरी गुड। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर, विच टेक्स ए क्वेश्चन, उससे हम अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, वो प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है एंड गिव अस ए मीनिंगफुल आंसर, और हमें हमारे जरूरत का आंसर दे देता है। यही काम है कंप्यूटर का। नेक्स्ट एक्टिविटी, डोबो वंडर्ड व्हाट एल्स ए कंप्यूटर कैन डू। वंडर्ड मतलब आश्चर्य में हो जाना। डोबो सोच रहा था कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। हेल्प हिम फाइंड आउट सम अदर यूजेज ऑफ कंप्यूटर बाई लिस्निंग देम इन द स्पेस, लिस्टिंग देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग द वर्ड्स गिवेन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हमें बताना है कि कंप्यूटर और किस किस काम में हेल्प करता है। तो चलिए बताइए भाई, ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले, क्या प्ले करने में हेल्प कर सकता है? मूवी, मूवी प्ले करने में हेल्प कर सकता है, या प्ले गेम्स, गेम्स की बात आ सकती है कि कंप्यूटर गेम प्ले करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, वी कैन लिसन टू, क्या सुन सकते हैं हम कंप्यूटर से? सॉन्ग्स, कंप्यूटर की हेल्प से हम सॉन्ग सुन सकते हैं। वी कैन सर्च फॉर मूवीज ऑन द कंप्यूटर, या इंफॉर्मेशन, गूगल में हम लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ना, तो कंप्यूटर की मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन वॉच मूवी ऑन द कंप्यूटर, मूवी हम देख सकते हैं कंप्यूटर पे। वी कैन ऑल्सो ड्रा पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। डोबो वॉज एक्साइटेड टू गेट कंप्यूटर एज ए गिफ्ट, दो ही वॉज ए बिट कन्फ्यूज। वो खुश तो बहुत था कि कंप्यूटर उसको गिफ्ट में मिला, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बहुत से कन्फ्यूजन थे। उसके पापा उसका कन्फ्यूजन देखे और समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके पापा पूछते हैं, डोबो यू सीम कन्फ्यूज, तुम मुझे कुछ कन्फ्यूज लग रहे हो। आर यू नॉट एक्साइटेड टू रिसीव कंप्यूटर एज ए गिफ्ट, क्या कंप्यूटर तुमको मैंने गिफ्ट दिया तो तुम एक्साइटेड नहीं हो? डोबो, डैड आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट्स वेरियस पार्ट्स। पापा मैं बहुत खुश हूँ लेकिन कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो डोबो के पापा बोलते हैं, ओ डियर, अरे मेरे प्यारे बच्चे, योर फ्रेंड कंप्यूटर इज जस्ट लाइक यू, तुम्हारा ये जो कंप्यूटर है फ्रेंड है और बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एज यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे तुम्हारे पास बहुत से बॉडी पार्ट्स हैं उसी तरह, और उन बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम है, उसी तरह कंप्यूटर आल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स, उसी तरह आपके कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं।
कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? ये देखिए, इसे कहते हैं कीबोर्ड। इस पे नंबर और अल्फाबेट और सिंबल बने होते हैं। कीबोर्ड डैड क्या बताते हैं? डोबो, विच बॉडी पार्ट हेल्प्स यू टू राइट, होल्ड थिंग्स और टू टेक फूड टू योर माउथ? डोबो जरा ये बताओ कि तुम्हें लिखने में कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, कोई चीज़ पकड़ने में क्या हेल्प करता है, खाना खाने में हेल्प कौन करता है? तो डोबो बोलता है, डैड आई यूज माई हैंड्स टू राइट, होल्ड थिंग्स एंड टू प्लेस फूड इन माई माउथ। डोबो बोलता है कि पापा मैं तो अपना हाथ यूज करता हूँ जब मुझे लिखना होता है, तो मुझे कुछ पकड़ना होता है तो, या फिर मुझे खाना खाना होता है तो मैं अपना हाथ यूज करता हूँ। जो जो काम आपके हाथ का है वही काम इस कीबोर्ड का है। सिमिलरली कंप्यूटर है जो कीबोर्ड, कीबोर्ड भी लिखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कंप्यूटर इज यूज टू टाइप नंबर एंड लेटर्स, गिव इंस्ट्रक्शन एंड कमांड टू द कंप्यूटर। नंबर और लेटर अगर कंप्यूटर पे लिखना है कुछ भी तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, या फिर कंप्यूटर को कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देना है, आदेश देना है, तो भी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर। देखिए, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड ए मॉनिटर। आप सबने ये मॉनिटर यानी ये स्क्रीन देखा होगा, टीवी की तरह दिखता है, इसी को मॉनिटर कहते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको पहचान कर बताना है, जो कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा था मॉनिटर, वैसा कुछ आपके घर पर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, कमेंट भी कर दिया कई लोगों ने, वेरी गुड। टीवी, टीवी का जो मेन स्क्रीन होता है बिल्कुल मॉनिटर की तरह तो दिखता है। और मॉनिटर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, खासियत? इट डिस्प्लेज व्हाट वी आर बी टाइप, जो कुछ हम टाइप करेंगे वो स्क्रीन पर दिखता है। इट हैज एन ऑन ऑफ बटन, मॉनिटर में एक ऑन और ऑफ बटन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। स्क्रीन को, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वीडियो। और ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है मॉनिटर। डैड, डोबो कॉल योर क्लासमेट्स फॉर द बर्थडे पार्टी। डोबो के पापा कहते हैं कि अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए बुला लो। डोबो, डैड आई डोंट रिमेंबर देयर फोन नंबर्स। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। कह रहा है कि पापा मुझे उन सब का नंबर याद नहीं है। एंड आई डोंट हैव माई फोन बुक विद मी, और मैं फ़ोन बुक भी मेरे पास नहीं है। तो एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको सही सही आंसर टाइप करना है कमेंट में, बुक में सही आंसर टिक करना है और कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप करना है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल? क्या आपको अपने स्कूल के सभी बच्चों का नाम याद है? सही सही करिएगा। मेरा तो जवाब नो है भाई, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चों का नाम, क्लास के होते तो सोचता, स्कूल के सारे बच्चों का नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है। कैन यू रिकॉल फोन नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास? क्या आप अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर याद रखते हैं? बताइए, ईमानदारी वाला आंसर जवाब दीजिए। कई बच्चे ऑनेस्ट आंसर कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका भी आंसर नो होगा, क्योंकि क्लास के सभी बच्चों का मोबाइल नंबर तो याद होना बड़ा मुश्किल काम है भाई। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल टिल 100? क्या आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल 100 तक याद है? तो किसी को भाई 5 तक है, किसी को 10 तक है, किसी को 15 तक है, किसी को 20 तक है, बहुत अधिक है तो 25 तक है किसी को, लेकिन 100 तक तो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसका भी आंसर आया नो। वेल, वी कैन नॉट रिमेंबर द एबव मेंशन्ड थिंग्स, बट ए कंप्यूटर कैन रिमेंबर ऑल द एबव थिंग्स। ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारे चीज़ें हम सब नहीं याद रख सकते, लेकिन आपको पता है एक कंप्यूटर ये सारी चीज़ें याद रख सकता है। डैड पूछते हैं, डोबो विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू रिमेंबर एवरीथिंग? डोबो जरा ये बताओ कि तुम्हारे शरीर का कौन सा बॉडी पार्ट है जो तुम्हें याद रखने में हेल्प करता है सब चीज़ें? डोबो, आई रिमेंबर एवरीथिंग यूजिंग माई, कमेंट करके सब लोग बताइए जल्दी से। अरे वाह, कुछ लोग कमेंट भी कर दिए, वेरी गुड। जी हाँ, हम लोग अपने ब्रेन का यूज करते हैं कोई भी चीज़ याद रखने के लिए। पापा उसके पूछते हैं, डू यू नो कंप्यूटर आल्सो हैज ए ब्रेन? क्या तुमको पता है कंप्यूटर का भी एक ब्रेन है? हैं, कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है? डोबो तो चक्कर खा के गिर गया होता भाई। चलिए देखते हैं क्या दिमाग है कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच हेल्प्स इट टू रिमेंबर एवरीथिंग। तुमको पता है जो ये CPU है यही कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग, यही सब कुछ उसे याद रखने में हेल्प करता है। अच्छा,
कंप्यूटर को क्या क्या हेल्प करता है? सीपीयू, प्रोसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, कई काम करने में हेल्प करता है। स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है उसे स्टोर करने में हेल्प करता है, सेव करने में हेल्प करता है। सीपीयू हैज़ टू बटन्स, सीपीयू में दो बटन होते हैं, पहला ऑन या ऑफ बटन और दूसरा रीस्टार्ट बटन, यही दो बटन होते हैं सीपीयू में। या तो रीस्टार्ट करने के लिए होता है बटन, या तो फिर ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है। डोबो, वाइल क्लिकिंग हिज कंप्यूटर, चेकिंग हिज कंप्यूटर, जब डोबो अपने कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चेक कर रहा था तो पूछता है, व्हाट इज दिस टीनी लिटिल थिंग विद ए लॉन्ग टेल, पापा ये छोटी सी चीज क्या है जिसकी लंबी सी पूछ है? तो पापा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए माउस, इसे माउस कहते हैं। डोबो घबरा के बोलता है, माउस, सचमुच में चूहा? डैड, नो डोबो, इट्स नॉट ए रियल माउस, ये सच में चूहा थोड़े है यार। कम आई विल टेल यू मोर अबाउट द कंप्यूटर माउस, आओ मैं तुम्हें कंप्यूटर माउस के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये माउस है जो इसके हाथ में है, इसे कीबोर्ड कहते हैं, इसे मॉनिटर कहते हैं, और ये जो वायर लगा हुआ इसके हाथ में है इसे माउस कहते हैं। डैड, डोबो, एज यू नो योर फिंगर टू पॉइंट एट थिंग्स, सिमिलरली ए कंप्यूटर माउस आल्सो पॉइंट्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। जानते हो डोबो, जिस तरह हम लोग अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर का जो माउस है वो भी अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए होता है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। डोबो, डैड, बट मॉम टोल्ड मी नॉट टू पॉइंट एट अदर्स एज इट इज ए बैड हैबिट, लेकिन पापा मेरी मम्मी ने तो बताया था कि किसी की तरफ उंगली दिखा के बात नहीं करनी चाहिए। उसके पापा बोलते हैं, यस चाइल्ड, इट इज ट्रू, हाँ बेटा ये सही बात है, किसी की तरफ उंगली दिखा के काम नहीं करना चाहिए, इशारा करके काम नहीं करना चाहिए, बदलना चाहिए। बट इन ऑर्डर टू वर्क विद स्पीड, लेकिन अगर तुम बहुत तेज़ी से अपना काम खत्म करना चाहते हो तो ये पॉइंटिंग डिवाइस इज इसेंशियल, तो तुम्हें ये जो पॉइंटिंग डिवाइस माउस है ये बहुत ज़रूरी है। वी कैन सिलेक्ट एनी थिंग ऑन द स्क्रीन वेरी इजिली बाई क्लिकिंग यूजिंग द माउस, हम माउस की हेल्प से बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ स्क्रीन पर का क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, माउस की हेल्प से ही यहाँ पर स्क्रीन पर मैं कोई भी फोल्डर क्लिक कर ले रहा हूँ, ये देखिए, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस फोल्डर को मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ देखिए क्लिक हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो उससे बड़ी जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। ए माउस इज ईजी टू यूज, इंक्रीज स्पीड एंड मेक सिलेक्शन ईजियर, हमारी स्पीड को बढ़ाता है, सिलेक्ट करने में आसानी रहती है, आसान है यूज करना। इट रिड्यूसेस द टास्क ऑफ रिमेंबरिंग एज वेल एज टाइपिंग द कमांड्स, ये इसकी हेल्प से हम लोग याद कम रखना पड़ता है और जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम कर लेते हैं। और इसमें थ्री बटन होते हैं, देखिए, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और स्क्रॉल बटन होता है इसमें एक। ये देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन है इसका, लेफ्ट माउस बटन से सिंगल क्लिक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, और ड्रैग करना है तो इधर उधर ड्रैग भी करा सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सिंगल क्लिक किए तो सिलेक्ट हुआ, अगर इसी पर हम डबल क्लिक कर दें जल्दी से तो देखिए फाइल ओपन हो गई, और अगर हम इसी को सिलेक्ट कर लें तो इसे इधर उधर ड्रैग भी करा सकते हैं। राइट माउस बटन का काम क्या है, इसको क्लिक करने पर एक स्पेशल मेनू ओपन हो जाता है, ये देखिए मैं राइट बटन क्लिक किया तो एक स्पेशल मेनू ओपन हो गया, देख रहे हैं, तो इस काम के लिए राइट बटन यूज होता है। स्क्रॉल बार क्या होता है,
पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, जो माउस का लेफ्ट माउस बटन है उससे आपको रेड से कलर करना है, राइट माउस बटन को ब्लू से, फिर स्क्रॉलिंग बटन को येलो से, और पिंक जो बॉडी आप माउस है, माउस का बॉडी ये वाला, इसे पिंक से करना है। और जो ये पैड है देख रहे हैं स्क्वायर टाइप का, ऐसे किनारे किनारे माउस के पैड बना हुआ है, इस वाले पार्ट को ग्रे कलर से करना है बार बार। देखिए अब आपके लिए एक्टिविटी होमवर्क दिया जा रहा है कि जब भी अगली बार आप अपने कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने सीपीयू हैं, माउस कितना है, या क्या क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सारी चीज़ को देखेंगे, फिर उन्हें काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माई लैब हैज कितने सीपीयू और कितने मॉनिटर हैं, यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना है, और कितने कीबोर्ड और माउस हैं आपके लैब में उसका नंबर यहाँ लिखना है गिन कर, ठीक है। और उम्मीद है अब बॉडी पार्ट्स के बारे में आप जान गए, तीन बॉडी पार्ट्स स्पेशली, जो सबसे पहला कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का हाथ होता है, मॉनिटर कंप्यूटर का स्क्रीन वो उसका चेहरा होता है, माउस कंप्यूटर का फिंगर है, और सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगला पूछ रहा है कि क्या आपने जब लैब में देखे तो आपने देखा कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं, बिजली से कनेक्टेड हैं? अगर यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, नो है तो नो पर टिक करिएगा। चलिए लेट अस प्ले, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और पजल फिलअप करना है। गेम को खेलने से पहले इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे हम कह रहे हैं यहाँ। तो वेरी गुड, कमेंट भी आ गया, कंप्यूटर। तो पहले नंबर पर क्या लिखेंगे यहाँ सामने, कंप्यूटर, और इसमें फिलअप भी करेंगे। तो पहला नंबर देखिए कहाँ है, ये देखिए वन नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ सी पहले से लिखा है, ओ एम पी यू टी ई आर, पूरा पूरा भर गया ये बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए पॉइंटिंग डिवाइस, कमेंट करके जल्दी से बताइए पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। वेरी गुड, कमेंट भी आ गया, बहुत अच्छे। पॉइंटिंग डिवाइस हम माउस को कहते हैं, तो टू नंबर पे आंसर क्या होगा, माउस। अब टू नंबर देखिए ये है, तो यहाँ लिखा एम लिखा ही है, ओ यू एस ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को। नेक्स्ट, यू कैन टाइप यूजिंग मी, किस चीज़ को यूज करके हम टाइपिंग करते हैं, किसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग का काम करते हैं, बताइए कमेंट करके। जी हाँ, इसका आंसर होगा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड थर्ड नंबर पर, अब देखिए थर्ड, ये नंबर है थर्ड, तो के ऑलरेडी लिखा है, ई वाई बी ओ ए आर, और नीचे ऑप्शन है यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आई एम द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, जरा कमेंट करके बताइए, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। जी हाँ, कंप्यूटर का ब्रेन हम सी पी यू को कहते हैं ना, तो फोर नंबर पर देखिए यहाँ फोर नंबर लिखा है, सी पी यू, ये आंसर हो जाएगा। अगला, आई लुक लाइक ए टी वी स्क्रीन, कंप्यूटर में टीवी स्क्रीन की तरह जो चीज़ दिखती है, जो पार्ट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जी मॉनिटर कहते हैं ना, जो टीवी की तरह दिखता है कंप्यूटर में उसको तो हम लोग मॉनिटर कहते हैं ना। तो पांचवें नंबर पर ये देखिए पांचवा नंबर, तो मॉनिटर की स्पेलिंग लिख दीजिए, एम ओ एन आई टी ओ आर। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो कनक क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कनक क्लासेज पर आपके क्लास के और भी बहुत से वीडियो हैं, खास करके सोशल स्टडीज़ के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन है, आप कनक क्लासेज पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास थर्ड एसएसटी। इसके बाद देखिए, डोबो के डैड कहते हैं, लेट्स, डोबो कहता है लेट्स यूज़ द कंप्यूटर, आई एम वेरी एक्साइटेड, पापा चलिए कंप्यूटर यूज करते हैं, देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। डैड, ओके डोबो, वॉच केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो डोबो, सबसे पहले स्विच ऑन द यूपीएस और द मेन पावर स्विच, सबसे पहला काम तो मेन पावर स्विच या एक नीचे यूपीएस होता है बैटरी, उसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन द सीपीयू, सीपीयू में जो ऑन ऑफ बटन है उसको ऑन पुश कीजिए, प्रेस कीजिए, और उसके बाद मॉनिटर में भी एक ऑन ऑफ बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, ये जो प्रोसेस आपने किया, सबसे पहले यूपीएस ऑन किए, फिर सीपीयू का बटन ऑन किए, फिर मॉनिटर का बटन ऑन किए, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर की तरह आपके घर में और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, तो सबसे पहले उसका स्विच ऑन करते हैं पावर का, और उसके बाद स्टार्ट बटन ऑन करते हैं तब मशीन काम करती है। इसी तरह माइक्रोवेव है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको स्विच ऑन द मेन पावर लिखना पड़ेगा ना भाई, जब बिजली ही नहीं देंगे तो माइक्रोवेव काम ही नहीं करेगा, उसके बाद स्टार्ट बटन दबाते हैं। इसी तरह जूसर है, अब पावर बटन तो ऑन कर दिए, बिजली तो दे दिए, लेकिन स्टार्ट बटन ही नहीं दबेंगे जूसर का तो काम कहाँ से करेगा। इसी तरह टेलीविजन, जो टीवी है, अब उसका स्टार्ट बटन टीवी का तो ऑन कर रहे हैं, लेकिन उसको बिजली वाला बटन ही नहीं ऑन कर रहे हैं,
तो वो टीवी भी नहीं रन करेगा। ठीक, इतनी अप्लायंसेस को देखने से ये लग रहा है कि सभी का प्रोसेस एक ही है, क्योंकि बिना बिजली कनेक्ट किए वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो काम ही नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि स्टेप, अगर आप कह रहे हैं कि सही बात है तो स्टेप लिखिए, तो स्टेप यही है भाई कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उसको बिजली से कनेक्ट कीजिए मेन पावर से, उसके बाद स्टार्ट बटन ऑन कीजिए। जब आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे और कंप्यूटर ऑन करेंगे पहली बार, तो सबसे पहला जो स्क्रीन दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, या फिर ऐसा दिखेगा जैसा देखिए ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना पूरा, ऐसा दिखेगा। तो जो ये स्क्रीन दिख रहा था अभी, उसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, जिसे मॉनिटर कह रहे थे। तो वो तो टीवी वाला पार्ट था, लेकिन कंप्यूटर ऑन करने पर जो हमको ये पार्ट ब्लू वाला दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो बताइए हम लोगों ने क्या क्या किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया होगा, फिर सीपीयू का बटन ऑन किया, मॉनिटर का बटन ऑन किया, तब जाके हमको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखा। नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। डोबो वॉज प्लेइंग ए गेम ऑन हिज कंप्यूटर, कंप्यूटर पे एक गेम खेल रहा था डोबो। जब उसकी मम्मी ने उसको बुलाया तो ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम बट हिज फादर स्टॉप हिम। वह रूम से बाहर जाने ही वाला था, तब तक उसके पापा ने रोक दिया। क्यों डोबो, यू शुड ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर आफ्टर इट्स यूज। डोबो, तुम्हें कंप्यूटर यूज करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। डोबो कहता है, डैड आई डोंट नो हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड व्हाट विल हैपन इफ आई लीव इट लाइक दिस फॉर फ्यू आवर्स। पापा, मुझे तो कंप्यूटर बंद करने आता ही नहीं है, और मैं ये भी नहीं जानता कि अगर इसे ओपन ही रहने दें, ऑन ही रहने दें कुछ देर तक तो क्या होगा। आई मे कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड यूज इट अगेन, मैं थोड़ी देर बाद आता खेल कर फिर इसे यूज करने लगता। तो पापा उसके कहते हैं, नो, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर प्रॉपरली इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कीप द कंप्यूटर एंड डाटा सेफ, एल्स यू विल स्पॉइल इट। अगर तुम सही ढंग से शट डाउन नहीं करोगे, कंप्यूटर बंद नहीं करोगे, तो क्या होगा कि कंप्यूटर में से आपका सारा डाटा, फोटो, गाना, पिक्चर सब उड़ सकता है, खत्म हो सकता है, डिलीट हो सकता है। बिसाइड इट, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टाइम्स। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप कंप्यूटर ऑन रखोगे, यानी बिजली खर्च होती रहेगी, बिजली बेकार होगी, तो इसलिए कंप्यूटर शट डाउन करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, तुम्हें हमेशा नीचे बताए गए तरीके से टर्न ऑफ करना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मीनू खुल जाएगा, क्लिक ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन है, ये डेस्कटॉप पर यहाँ स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक किए, यहाँ देखिए शट डाउन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जब हम टर्न ऑफ पर कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन दिखते हैं, स्टैंड बाई, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब है कि कंप्यूटर पहले टर्न ऑफ हो जाएगा बंद, और फिर अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसे मोबाइल में रीस्टार्ट होता है उसी तरह से। फिर टर्न ऑफ का मतलब, तो ये तो स्विच ऑफ हो गया एकदम, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और स्टैंड बाई का मतलब होता है पावर सेविंग मोड, मोबाइल में हम लोग ये सारे मोड यूज करते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये सारे मोड होते हैं। कंप्यूटर बंद करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले टर्न ऑफ ऑप्शन क्लिक करते हैं, शट डाउन, उसके बाद यूपीएस की पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें तीन तीन स्टेप दिए गए हैं, स्विच ऑन करने के और टर्न शट डाउन करने के, आपको सही सही क्रम से इसमें लिखना है कौन सा सबसे पहला स्टेप है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। अब देखते हैं कमेंट करके कितने लोग सही बताते हैं। देखिए इसका स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो मेन पावर स्विच ऑन करेंगे तो टू नंबर वाला वन पे आ जाएगा, फिर हम सीपीयू का बटन ऑन करेंगे, थ्री नंबर वाला सेकंड पर आ जाएगा, और उसके बाद मॉनिटर का बटन ऑन करेंगे, वन वाला लास्ट में आएगा। इसी तरह इसका स्टेप देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जो नीचे ये स्टार्ट बटन है क्लिक किए, उसके बाद टर्न ऑफ करते हैं, यहाँ से जाकर स्विच ऑफ देख रहे हैं तो टर्न ऑफ कर दिए, उसके बाद तब जाके यूपीएस की सप्लाई ऑफ करते हैं। हाँ, असेसमेंट एक दिया हुआ है आपको, हु आई एम, गेस करना है। आई स्टोर ऑल द डाटा इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में सारा डाटा कौन स्टोर रखता है, कमेंट करके बताइए जल्दी, मैं लास्ट में आंसर बता रहा हूँ, तब तक कमेंट करिए। आई डिस्प्ले व्हाट यू आर यू टाइप, जो कुछ आप टाइप करते हैं स्क्रीन पर दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ नाम लिखना है। यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, किस चीज़ पर हम गेम खेल सकते हैं उसका यहाँ नाम लिखना है। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग मी, किसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आई एम ईजी टू यूज, सारे पार्ट्स में से सबसे ईजी क्या है यूज करना, एम से है स्पेलिंग आप जानते हैं। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, कमेंट तो आ रहा है कई बच्चों का। देखिए पहला आंसर है CPU, CPU ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसी में सारी जानकारी होती है। जो डिस्प्ले होता है उसको हम कहते हैं मॉनिटर, MONITOR।
जो गेम हम किस पर खेल सकते हैं? कंप्यूटर पर, COMPUTER। इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड, KEYBOARD। आई एम ईजी टू यूज, माउस, MOUSE। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, पीछे आया था एक जगह, उसका नाम था बूटिंग, BOOTING। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर में जितना कुछ दिया हुआ था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सरसाइज भी और जो भी थ्योरी दिया था पूरा। आई होप कि अब आपको जब लैब में जाएंगे तो बड़ी आसानी से कंप्यूटर को स्विच ऑन भी कर लेंगे, बूटिंग भी कर लेंगे और स्विच ऑफ भी कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।